हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोभी का कोफ्ता करी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाकर रोटी चावल के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोभी का कोफ्ता बनाने के लिए हमने 250 ग्राम गोभी को ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं, इसी तरह से ग्रेट करना है। करी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिया है। टमाटर को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और अदरक है 3 टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 8 से 10 कली लहसुन की, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी के बर्तन में डालकर पीस लेंगे बिना पानी के। बिना पानी डाले हमने पीस लिया है, इसी तरह का पेस्ट होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रखेंगे और कोफ्ता बनाकर तैयार करेंगे। कोफ्ता बनाने के लिए हम गोभी में हरा धनिया पत्ता डालेंगे। 1/2 कप हरा धनिया पत्ता है, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार। सारे सामग्री को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा बेसन डालेंगे और डो बनाएंगे। एक साथ सारा बेसन नहीं डालेंगे, मिक्स करेंगे और बिना पानी के हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि गोभी में बहुत सारा पानी होता है। थोड़ा सा बेसन हम और डालेंगे। बचे हुए बेसन को भी डाल देंगे। पूरे 1 कप बेसन का इस्तेमाल हमने किया है। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स करके डो की तरह बना लिया है। इसी तरह का मिश्रण होना चाहिए। हाथों पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। मिश्रण में से हम थोड़ा सा मिश्रण को उठाएंगे और इस तरह से हम बॉल बनाएंगे। छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे बॉल बनाकर तैयार करेंगे और तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। धीमी आंच पर हम अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा कोफ्ता है वो कच्चा ना रहे। आप भी इसी तरह से फ्राई कीजिए। एक बार का कोफ्ता फ्राई करने में 8 से 10 मिनट का समय लग जाता है। देखिए, हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, सारे कोफ्ते को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई को अच्छे से गरम करेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गरम हो गई है। 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है। 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 स्टार, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची तोड़ कर डालेंगे, 3 लवंग, 1/4 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, मिक्स करेंगे। जीरा हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डालेंगे।
बीच बीच में चलाते हुए प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने बीच बीच में चलाते हुए अच्छा ब्राउन होने तक पका लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह का प्याज भुनना है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम पीसा हुआ पेस्ट डालेंगे टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का। थोड़ा सा मिक्सी के बर्तन में पानी डालेंगे और इसे भी हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप हरा ताजा मटर डालेंगे। टमाटर के साथ में हम मटर को भी पका लेंगे, मिक्स करेंगे। कवर करके धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। पूरे 7 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। मसालों से तेल अलग होने लगा है और मसालों के साथ में हमने मटर को भी अच्छे से भून लिया है। मटर भी हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया है, मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कप से 1 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। आप ग्रेवी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे, मिक्स करेंगे। उबाल आने तक पकाएंगे। उबाल आने तक हमने पका लिया है, आप देख सकते हैं अच्छा उबाल आ गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच हरा धनिया पत्ता डालेंगे और मिक्स करेंगे। आखिरी में हम कोफ्ता डालेंगे। मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे। देखिए 2 मिनट तक हमने और पका लिया है। कोफ्ता करी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म गोभी का कोफ्ता करी बनकर तैयार है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।